हेलो एवरीवन, ये है यूट्यूब वीडियोस वर्ल्ड चैनल और आप देख रहे हैं ई टैब्स ट्यूटोरियल सीरीज। आज की वीडियो में हम बात करेंगे लोड केस वर्सेस लोड पैटर्न। जब आप ई टैब पे काम करते हैं तो आपने देखा होगा कि एडिट ऑप्शन में एक आता है आपका लोड केस, सॉरी डिफाइन में आता है एक लोड केस और एक आता है आपका लोड पैटर्न। ये है आपका लोड पैटर्न और ये है आपका लोड केस। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है तो ये हम जानते हैं इस वीडियो में, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो लोड आपका, देखिए लोड पैटर्न और लोड केस में डिफरेंस क्या है। लोड पैटर्न का मतलब है जो आप अपने स्ट्रक्चर पर लोड लगा रहे हैं। मान लीजिए एक बीम है, देखिए मेरा इस पर मैं कुछ लोड लगा रहा हूँ फोर्स, वो पॉइंट लोड हो सकता है, यूडीएल हो सकता है, एरिया लोड हो सकता है ना, यूवीएल हो सकता है, यूनिफॉर्म वेयरिंग लोड, ट्रैपोजिटल लोड हो सकता है, इस तरीके का, ठीक है। तो वो लोड कैसा भी हो सकता है, यूडीएल हो। तो जो लोड, जो एक्चुअल में हम लोड लगाते हैं, जो आपने सुना होगा यूडीएल, पॉइंट लोड, एरिया लोड, प्रेशर, तो ये सब आते हैं आपके लोड पैटर्न में। इनका एक पैटर्न है लगने का। पॉइंट लोड भाई एक सिंपल एक पॉइंट पे लग रहा है, यूडीएल अलोंग द लाइन लग रहा है, एरिया लोड एरिया पे लग रहा है, ट्रैपेज़ॉइडल लोड में दो लोड होते हैं, एक मिनिमम एक मैक्सिमम, तो एक पैटर्न्स हो गए लोड के। तो इन फोर्स के पैटर्न लगाने के लिए हमें लोड पैटर्न डिफाइन करना होता है। मान लीजिए बहुत सारे पैटर्न हैं, ये सारे पैटर्न जो है आपके डेड लोड में आते हैं। डेड लोड के अंदर आ सकते हैं ना सारे पैटर्न। मान लीजिए आपकी कोई बिल्डिंग है, उस पर कोई मशीन या कोई वॉल, कोई ऐसा परमानेंट स्ट्रक्चर है जो कभी नहीं हटेगा, और उस स्ट्रक्चर की वजह से जो लोड उस बीम पे लग रहा है वो लग रहा है आपका ट्रैपेज़ॉइडल, या कोई एक कोई चीज़ ऐसी है जिसकी वजह से यूडीएल लग रहा है, जैसे बीम के ऊपर वॉल है वो यूडीएल लगता है, तो परमानेंट स्ट्रक्चर इन डेड लोड हो गए। तो डेड लोड के अंदर ये सारे पैटर्न आपके आ सकते हैं, है ना। तो आपको एक डेड लोड जो आप डिफाइन करेंगे वो पैटर्न में करेंगे, ठीक है। इस तरह लाइव लोड, इस तरह विंड लोड, इसी तरह सारे आप जो पैटर्न्स हैं वो इसमें डिफाइन करेंगे लोड पैटर्न में। अब बात आती है लोड केस में, एक बार कर लेते डिफाइन लोड पैटर्न। देखिए डेड लोड लाए, तो जब लोड पैटर्न आप यूज़ करते हैं तो उसमें पूछता है लोड का टाइटल, ठीक है, किस टाइप का है। वही पैटर्न दिए हुए इसके अंदर, लाइव लोड, डेड लोड, एक बार देखते हैं। देखिए तो टाइटल पूछेगा किस टाइप का लोड लगाना चाहते हो, ठीक है। उसके अंदर सेल्फ एड इंक्लूड करना है नहीं करना, या उस लोड के रिलेटेड कोई आपका आईएस कोड है तो वो यहाँ सेलेक्ट कर लेना होता है और ऐड न्यू कर देते हैं, ठीक है। तो जब कोई लोड पैटर्न डिफाइन करते हैं तो ये चीज़ें होनी होती हैं। फिर जैसे आपने डेड लोड आपने डिफाइन कर दिया, अब इस डेड लोड के अंदर और अंदर जो यूडीएल एरिया लोड जो पैटर्न रहे ये सारे इसके अंदर लगेंगे, ठीक है। तो ये होता है आपका लोड पैटर्न। अब डिफाइन बात करते हैं हम लोड केस की, ठीक है। देखिए लोड केस में जब मैं ऐड न्यू करता हूं तो यहां पे टाइटल मांगता है, टाइटल, ठीक है। टाइटल के बाद यहां कुछ मांगता है, लीनियर स्टैटिक, नॉन लीनियर स्टैटिक, टाइम हिस्ट्री, बकलिंग। तो ये यहां क्या कर रहा है, मान लीजिए मैंने ले लिया लीनियर स्टैटिक, उसके बाद देखिए यहां मैंने ऐड किया एक लोड पैटर्न एक्सेलरेशन या और कोई लोड पैटर्न हमें ऐड करना है। तो ये क्या कर रहा है कि हमने एक लोड केस बनाया यहाँ पे एल केस वन, इसके अंदर हम किसी लोड पैटर्न को विद रिस्पेक्ट टू टाइम लगा सकते हैं। मान लीजिए आपने एक डेड लोड लगाया 5 किलोमीटर का किसी स्ट्रक्चर पे, वो हो गया लोड पैटर्न। डेड लोड क्या हो गया, लोड पैटर्न। अब आपने क्या किया, उस डेड लोड को विद रिस्पेक्ट टू टाइम आप या किसी और तरीके से टाइम के साथ चेंज करना है, लगाना चाहते हैं उस पैटर्न को, तो किसकी हेल्प से होगा, लोड केस की हेल्प से, ठीक है। देखो लोड केस में पूछ भी रहा है ये चीज़ें किस टाइप से, एक टाइम की जब बात होगी तो लोड केस की, और केवल पैटर्न की बात होगी तो लोड पैटर्न की। तो ये डिफरेंस है लोड। जब आप यहाँ पे जैसे मैं इस बीम के ऊपर यूडीएल लगाना चाहूँ, असाइन फ्रेम लोड और डिस्ट्रीब्यूटेड, तो यहाँ पर जो लोड आ रहे हैं डेड लोड लाइब्रेरी पैटर्न वाले आ रहे हैं, जो पैटर्न में डिफाइन करते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो लोड आएगा वो पैटर्न वाले आएंगे। एग्जाम्पल
मैं डिफाइन कर देता हूँ एक लोड पैटर्न, ठीक है, ये डाल दिया मैंने, लोड पैटर्न डाल देता हूँ अर्थ लोड, ठीक है, किस टाइप का है वो चूज कर लो, सेल्फ इट लेना इन लेना, ऐड कर दिया, अर्थ लोड आ गया। अब मैं इस बीम पे क्लिक करके असाइन करता हूँ फ्रेम लोड यूडीएल, तो यूडीएल ने पूछा यूडीएल किसके अंदर आए, तो अर्थ लोड जो मैंने अभी डिफाइन किया था, ठीक है। लेकिन अगर मैं डिफाइन करता हूँ पैटर्न, सॉरी ये तो पैटर्न है, डिफाइन करता हूँ लोड केस, मैंने यहाँ लिख दिया सॉइल लोड, ठीक है, मैंने एक सॉइल लोड नाम से पैटर्न ले लिया, ऐड कर दिया, ये आ गया आपका, ठीक है। अब जरा देखते हैं हम, जब मैं इस बीम के ऊपर यूडीएल लगाता हूँ डिस्ट्रीब्यूटेड, तो यहाँ ऑप्शन में आता है सॉइल लोड, नहीं आ रहा ना, ठीक है। अब सॉइल लोड मैंने वहां पे लोड केस ले लिया, उसके अंदर में कोई डाटा लेके टाइम हिस्ट्री का या कोई फोर्स लगाना चाहता हूँ, एक्सेलरेट करना चाहता हूँ, जब जहाँ टाइम की बात हो रही है, तो हमारा लोड केस काम आएगा। और जो सिंपल आप डेड लोड लाइव लोड जो यूडीएल यूवीएल लगाते हो, वो सब आता है आपका लोड पैटर्न में। तो ये डिफरेंस है आपका लोड केस एंड लोड पैटर्न में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू।